साधना संगम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साधना जी, मन भारी करके पूरा देश आज और जो अनेकों उनके चाहने वाले हैं वो लता जी को विदाई दे रहे हैं, आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? जी, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी, मतलब संगीत की दुनिया का वो सितारा जो हमेशा रोशन रहेगा, और ये समाचार बहुत दुखद समाचार, अभी भी मन भारी है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि संगीत जगत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा लॉस है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लता जी के कंट्रीब्यूशन को कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। किस तरह से आप उनको याद रखेंगे? उन्होंने अनेकों गाने, मोहब्बत के फसानों से लेकर गजल, देशभक्ति गाने, नई नई जो अभिनेत्रियां थी उन तक को आवाज देती थी, ये उनका रेंज था, जिस पिच पर वो गाती थी वहां तक कलाकारों के लिए पहुंचना एक सपना होता था। ये किस तरह से उनका जो पूरा रियाज था, उनकी जो मेहनत, जो संघर्ष रहा शुरुआती दिनों में, उन सब पर आप क्या कहेंगे? वो एक कहते ना, वो एक युग, युग का अस्त हुआ है, मतलब इतना उनका काम था, इतना बड़ा योगदान रहा है, और कितनी पीढ़ियों से वो गा रही हैं और कितनी पीढ़ियों ने उनको सुना है, और उनके गाने, एक एक कोई गाना कोई कहता कि ये कौन से फेवरेट गाने, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब गाने उनके इतने परफेक्ट, इतने अच्छे हैं। वो हमेशा इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हमेशा मार्गदर्शन रही, उनका गाना सुन के हमेशा प्रेरणा मिलती रही, और कितनी हीरोइंस के लिए और कितनी जनरेशन तक उन्होंने गाया, ये कोई नहीं कर सकता, ये कमाल है सब, ये इस अलौकिक कहते ना जिसको, इस लोक का नहीं, अलौकिक है ये। और हम एक से लेकर बढ़ के गाने जो उनके थे वो अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। साधना जी, अगर आप मुड़कर देखें तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां उन्होंने एक के बाद एक जो गाने गाए हैं, आप देखिए, चाहे वो खुशी के तराने हो, चाहे वो गम का फसाना हो, चाहे वो मोहब्बत की कहानी हो, चाहे वो देशभक्ति का गाना हो, बहुत मुश्किल है एक गाना पिक करके कहना कि ये उनका बेस्ट था, क्योंकि हर साल, मतलब ऐसा दौर भी था साधना जी, हालांकि आप लोगों ने भी बहुत सारे 90 के दशक में गाने गाए, लेकिन उन्होंने जो गाने गाए वो उसके बिना प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स कहते थे कि एक गाना तो लता जी का होना ही चाहिए वरना फिल्म अधूरी रह जाएगी। साधना, बिल्कुल सही बात है, उनकी आवाज, उनकी आवाज जैसा कोई है नहीं, गोल्डन वॉइस है वो, अमृत लता, लता जिसको कहते हैं वो, तो हर हर फिल्म में उनका गाना होना बिल्कुल जरूरी था, और उनके बिना संगीत की दुनिया बहुत अधूरी है। उनके कौन से गाने, आपने बताया कि आप भी रियाज करती थी, आप लोग भी जब जाते होंगे तो हमारे साथ कई सारे ऐसे युवा सिंगर्स जुड़ रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग से पहले उनकी गीत को मन में गाते थे, ऐसे ही कुछ गीत या कुछ लम्हे जो आप उनके बारे में शेयर करना चाहें, अगर आपने, आपका ऐसा कोई अनुभव रहा हो। उनके गाने, एक कोई गाना कहना कि किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने बेहतरीन, एक से बढ़कर एक गाने गाए, तो कोई एक गाना मेंशन करना बहुत मुश्किल है कि मुझे ये गाना पसंद है, एक कोई नहीं, उनका हर गाना मुझे पसंद है। और क्या कहूँ मैं उनके, मतलब मैंने कहा ना कि वो हमेशा मार्गदर्शक रही हैं, ऐसा गाना हो सकता है इस यश के इस शिखर तक पहुँच के भी उनके गाने में जो बात थी और उनकी पर्सनालिटी इतनी सादगी से भरी थी, ये सब कॉम्बिनेशन ये बहुत कमाल का था। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साधना सरगम जी की आवाज में आप श्रद्धांजलि सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो प्रेरणा युगों को देती रहेंगी और अपने आप में एक युग, एक संस्था थी वो, जिस तरह से उनकी आवाज फिल्मी जगत पर, लोगों के मन में, लोगों की रेडियो पर, और देखिए तकनीक आगे बढ़ता गया, लेकिन लता जी, सादगी की बात हो रही थी तो हमेशा वो इस तरह से कई बार दो चोटी करके नजर आती थी, दो गुथ बनाती थी, और फिर साड़ी पहनने का उनका अलग अंदाज, हमेशा उन्होंने एक अपनी गरिमा बनाकर रखी, एक अपनी पहचान बनाकर रखी, वो अद्वितीय है, उनकी आवाज एक ऐसी ताकत जो लोगों के दिलों में उतरती थी सिर्फ अपने दम पर, तकनीक का सहारा नहीं लेना पड़ता था। ऐसे कई सितारे हैं, ऐसे कई सिंगर्स हैं जिसमें अक्सर आप सुनते हैं कि तकनीक का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लता जी की आवाज, जो पवित्र उनकी आवाज थी, वो अपने आप में अनूठी थी।